नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है, कम्युनिटी बाजार का लास्ट वर्किंग डे है वीक का। जानेंगे रूपा मेहता से कि कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ सकता है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटी बाजार के लिए कैसा रहेगा। रूपा जी, कैसा सीड में देख रहे हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। कैसा सीड 7600 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, अब आपको क्या लगता है कि कैसे सीड का बाजार अब यहाँ से कैसा रह सकता है? अगले देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि 7600 के ऊपर सस्टेन कर लिया तो 7800 के बाद 8000 के स्तर संभव है। और अभी देखिए, आप तेजी में आ चुका है, मार्केट टेक्निकली भी काफी सपोर्ट आ गया है, तो अब यहाँ से आप 7800 का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो इमीडिएट आपको 7625 पर कैप्चर देखने को मिल सकते हैं जी। ये सर, रूपा जी बात करें मसालों की, तो मसालों में कल को हमने नरमी आते हुए देखी थी, लेकिन निचले स्तर से जो कीमतें हैं वो सपोर्ट ले गई। आपको क्या लगता है रूपा जी, क्या इससे ज्यादा नीचे कीमतें जाती हुई नजर आ रही हैं या फिर नहीं? देखिए, करेक्शन आ सकती है नो डाउट मसालों में। उठा पटा का माहौल लगातार हम देख भी रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं है ऊपरी स्तरों पर और लगातार बाजार लुढ़कते हुए दिखाई दिया है। वहीं एक अच्छी खासी करेक्शन आने के बाद इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बाइंग की होना चाहिए। आज इंटरडे में भी थोड़ा रिकवरी है कल की गिरावट के बाद, तो छिटमुट आज बाइंग आ सकती है, लेकिन करेक्शन पर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करना है जी। रूपा जी, ग्वार में क्या लगता है? ग्वार में भी हमने नरमी बनते हुए देखी थी कल के कारोबारी सत्र में, ग्वार में भी निचले स्तर लगते नजर आए थे, लेकिन प्राइसेस वहां से फिर सपोर्ट ले गए, तो आपको क्या लगता है ग्वार में अच्छी तेजी आने में अभी कितना समय लग सकता है? देखिए, तेजी ग्वार गम तो ऑलरेडी स्टेबल है ऊपरी स्तरों पर, 11500 के आसपास हम देख रहे हैं, 500-600 के आसपास स्टेबिलिटी है, लेकिन फिर ज्यादा टूट गया है, फिर 6000 के नीचे लुढ़का है और वहां से अब यहाँ से मुझे लगता है कि सपोर्ट बनता दिखाई दे सकता है और सीड में तेजी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से ग्वार में बाइंग में रहना चाहिए, आने वाला हफ्ता ग्वार के लिए अच्छा रह सकता है, ग्वार में तेजी बन सकती है जी। रूपा जी, एडिबल ऑयल पैक की बात करें तो अब इंडोनेशिया ने साफ कर दिया है, तो यानी कि वो आने वाले सोमवार से जो पाम तेल का जो निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था उसको हटा देगा। रूपा जी, अगर वहां से एक्सपोर्ट पर बैन हटता है तो इंडिया में इंपोर्ट अच्छे से हो पाएगा, तो क्या ऐसे में खाद्य तेलों की जो कीमतें इस समय लगातार तेजी से बढ़ रही हैं उस पर कुछ कमी आता आप आती नजर आएगी, या फिर जो प्राइसेस हैं वो लगातार ऐसी बढ़ते हुए नजर आएंगे अभी भी? देखिए, गिरावट बन सकती है नो डाउट, जिस तरीके का सिनेरियो बना रहे हैं उसके चलते हो सकता है कि प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे जाए, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट जो है उस चीज को नहीं देख रहा। अभी तो लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट के बाद फिर से खाद्य तेल की कीमतें तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। अब जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडोनेशिया से एक बार जो है इंडोनेशिया से फिर से एक्सपोर्ट हो सकता है, तो वहां से हो सकता है कि थोड़ा सा कीमतों को एक बार ईजो पाता हुआ दिखाई दे, तो थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में देखने को मिल सकता है जी। ये सिर्फ जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो यूएस सोयाबीन वायदा देख रहे हैं कि $1690 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, पहले के मुकाबले देख रहे हैं कि सोयाबीन वायदा बाजार विदेश में लगातार तेजी की ओर ही बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इसका असर घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर कुछ पड़ता नजर आ सकता है या फिर नहीं, और घरेलू जो कीमतें हैं वो बढ़ेंगी या घटेंगी? देखिए, विदेशी बाजारों से क्यों जरूर देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, और अभी हमने देखा था कि सोयाबीन की कीमतों में पिछले 1-2 दिन में हल्की गिरावट मंडियों में देखने को मिल रही है, और वहीं आवके भी काफी कम है इस टाइम पर, बहुत ज्यादा सोयाबीन मंडी में आ भी नहीं रही है, तो ओवरऑल ट्रेंड तो इसका भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, और अगर विदेशी बाजारों में तेजी उठ रही है तो उसका असर सीधा डोमेस्टिक मार्केट पर देखने को मिल सकता है जी। रूपा जी, पिनोला खल में क्या लगता है आपको? बिनौला खल देख रहे हैं 2700 के ऊपर सस्टेन है, क्या अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि बिनौला खल 2600 या 2500 तक भी नीचे जाए? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है गिरावट आ सकती है, क्योंकि अब देखिए कपास भी लुढ़कना शुरू हो चुका है 50,000 के ऊपर, जो सस्टेनेबिलिटी आई थी हमने कपास में भी लेवल प्रेशर आते देखा, और बिनौला खल तो पहले ही तेज नहीं था, हमने लगातार इसमें दबाव भी देखा है, तो आज हल्की रिकवरी आ सकती है, लेकिन अगला हफ्ता हो सकता है 2700 से 2600 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे जी। सिर्फ जी कॉटन की बात करें तो कॉटन में खबरें आ रही है कि इंडिया से एक्सपोर्ट पर बैन लगाया जा सकता है, और सरकार ने इंपोर्ट भी किया था, इंपोर्ट का जो ड्यूटी थी वो भी घटा दी थी, तब भी कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए थे,
रूपा जी, विदेशों में देख रहे कॉटन के जो प्राइसेस है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यूएस कॉटन बेल्ट हो गई, चाइना कॉटन बेल्ट हो गई, यहाँ पर वेदर कंडीशन की वजह से कॉटन की जो क्रॉप है वो थोड़ी इम्पैक्ट हुई है। तो आपको क्या लगता है, अगर वेदर इंडिया में भी इस बार सही नहीं रहता है तो जो दाम है क्या वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे? देखिए, अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली अभी भी सपोर्टिव है मार्केट, नो डाउट। और इस बार किसानों को जो प्राइसेस मिले हैं उसके चलते आगे अब रिकॉर्ड प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन है कि हो सकती है, और अगर कोई डैमेज नहीं होता है क्रॉप को तो आगे चलकर एक अच्छा प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बार का जो प्रोडक्शन हमने देखा, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन के अंदर गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से लगातार प्राइसेस सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी देखा जाए तो प्राइसेस सपोर्ट में ही है, और इस टाइम कीमत जो किसानों को जो मिल रही है लगभग डबल के बराबर हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। जो कपास 7,000 रुपए क्विंटल होती थी, आज जो 14,300 के अराउंड की है, काफी मंडियों में देखने को मिल रही है। तो कीमतें जो है अभी इस साल तो काफी रिकॉर्ड टूट चुके हैं, अब यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, और अगला सीजन हो सकता है अगर अच्छी क्रॉप आई तो फिर डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। और अब ये प्राइसेस जो है स्टेबल हो सकते हैं इन लेवल पर, 10,000 से लेकर 12,000-13,000 के बीच में बाजार जो है वो रुकता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर गेहूं की, तो गेहूं में क्या लगता है आपको? सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध तो लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है, कुछ देशों को अभी भी हो रहा है जो एक पर्टिकुलर डेट्स के पहले उसके अनुबंध हुए हैं, तब उन देशों को ही सिर्फ गेहूं का निर्यात हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या अब गेहूं की जो प्राइसेज हैं वो नीचे जाने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि गेहूं अभी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, क्योंकि खबर का असर देखने को मिल सकता है। और भाव में एक्सपोर्ट तो देखिए अभी डिमांड तो है, लेकिन जो बैन कर दिया गया है उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्राइसेस के ऊपर दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, मेंथा ऑयल की बात करें तो मेंथा ऑयल में देख रहे हैं कि प्राइसेस 1100 के ऊपर सस्टेन हो रखे हैं। रूपा जी, आपको क्या लगता है, अगर यहाँ से कुछ तेजी और दिख जाती है तो क्या मेंथा ऑयल 1150 या उसके भी ऊपर जा सकता है? देखिए, अभी थोड़ा करेक्शन लग रहा है मुझे, और नेक्स्ट वीक भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 1050 नीचे में आ सकता है, 1050 तक ऊपर में थोड़ा सा कम स्टेबल लग रहा है कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मुझे लगता है कि ये टूट सकता है यहाँ से, और 1080 के आसपास की क्लोजिंग हो सकता है आज इंट्राडे में देखने को मिले, नहीं तो ऊपर भी जाता है कि 1120 मैक्सिमम अपसाइड है। तो 1080 से 1120 की रेंज आज इंट्राडे में हो सकती है, और वही नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, नेक्स्ट वीक में 1060-1050 एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स के देने चाहेंगी आप? देखिए, एग्री कमोडिटीज की अगर बात की जाए तो एग्री कमोडिटीज में मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर बाई किया जा सकता है, ग्वार के साथ साथ कैस्टर अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और कैस्टर में भी बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन कितनी स्टॉप लॉस के साथ 7500 का स्टॉप लॉस और यहाँ पर बाइंग बनाया जा सकता है, और 7800 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जी रूपा जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों के लिए कैसा साबित हो सकता है? क्योंकि पॉजिटिव है आने वाला वीक भी, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो कृषि फसलों के लिए अच्छा रह सकता है, प्राइसेस जो है वो बूस्ट अप लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, और स्पेशली मुझे मसाले अच्छे लग रहे हैं यहाँ से, मसालों में तेजी बनी रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार के लास्ट वर्किंग डे पर कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।